अमलाई स्टेशन में दुर्ग नौतनवा ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर बहुप्रतीक्षित मांग सर्वदलीय मंच मांग की है, जहां पर साथ में उन्होंने चेताया है कि यदि उनके ट्रेन स्टॉपेज की मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी उनके द्वारा दी गई है। अनूपपुर जिले के सर्वाधिक आय देने वाले रेलवे स्टेशन अमलाई में सभी दलों के नेताओं द्वारा पिछले 22 सालों से तत्कालीन सांसद विधायक मुख्यमंत्री से दुर्ग नौतनवा 18201 ट्रेन के स्टॉपेज सहित विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस और भाजपा के नेताओं द्वारा ज्ञापन और मांग विभिन्न सरकारों से की जाती रही है। दुर्भाग्य है कि अभी तक इस महत्वपूर्ण ट्रेन को रोका नहीं गया है, जिससे सभी दलों के लोगों में काफी नाराजगी दिख रही है। साथ ही सर्वदलीय लोगों ने ट्रेन रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेताया है कि यदि ट्रेन नहीं तो वे आगामी दिनों में ट्रेन स्टॉपेज को लेकर आंदोलन करेंगे। आप लोग क्या दुर्ग नौतनवा जो 82.01, 82.02 है उसका स्टॉपेज हो जाए, आखिर क्यों नहीं हो पाया अभी तक? हम लोग माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह से भी हमारी यही मांग थी, वर्तमान सांसद हिमाती सिंह से भी हमारी यह मांग है कि हमें एक श्रद्धालु मंच के माध्यम से ज्ञापन भी उनको दिया था और शासन प्रशासन को हमने चेताया भी था कि 82.01 और 82.02 का अमलाई में स्टॉपेज किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिएंट पेपर मिल है, कोल फील्ड एरिया है, जहाँ पे 70% लोग यूपी और बिहार के रहते हैं। बट 82.05 और 82.06 का स्टॉपेज किया गया और 82.01 और 82.02 का स्टॉपेज नहीं किया गया। मैं शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि फिर हम लोगों को मजबूर न होना पड़े कि हम लोग को फिर जेल भरो आंदोलन करना पड़े दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस रोकने के लिए। इसलिए मेरा माननीय रेल प्रशासन के बड़े अधिकारियों से, रेल मंत्री से, माननीय सांसद महोदय से मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज अमलाई में करने की कृपा करें, नहीं तो इनको भरपाई करना पड़ेगा, हमारे लोग, हमारे क्षेत्र के लोग फिर जेल भरो आंदोलन करेंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो क्या निरंतर आप लोग आंदोलन जारी करेंगे फिर या कैसा? पहले हम लोग ज्ञापन देंगे, उसके बाद हमारी कर्मी करताल होगी और कर्मी करताल में हमारी अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम लोग द्वारा जेल भरो आंदोलन बड़ी संख्या में किया जाएगा। आप कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, किसान कांग्रेस के, अब सरकार भाजपा की है, अगर आप मांग पूरी नहीं होती तो क्या आपके साथ और जैसे सर्वदलीय मंच के माध्यम से आपने ज्ञापन सौंपा, भाजपा कांग्रेस सभी पार्टी के लोग हैं, अब क्या करेंगे आप लोग? सर्वदलीय मंच हमारा एक मंच बना हुआ है इस क्षेत्र में, उसमें भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं और क्षेत्र की जन समस्या की ये मांग है, ये किसी की व्यक्तिगत मांग नहीं है। अगर ये हमारी मांगों को नहीं पूरा करते हैं तो हमारे साथ भाजपा के लोग भी शामिल होंगे, जनता दल के लोग भी शामिल होंगे, अन्य दलों के लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे और बहुत बृहद तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और ये मेरा प्रशासन निवेदन है और प्रशासन को मैं चेता भी रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और क्षेत्र व्यापी आंदोलन करेंगे, जिला व्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन भी किए हैं कई बार सांसद जी को, मेरे ख्याल से पूर्व स्वर्गीय दलबीर सिंह जी के समय से मांग चल रही, क्या अब अभी तक आप लोग की मांगें पूरी नहीं हुई हैं, आगे क्या करेंगे आप लोग रणनीति? देखिए, हमारी सरकार है केंद्र में और मध्य प्रदेश में, पिछले 20-22 सालों से हम लोग सामूहिक रूप से इसका प्रयास कर रहे हैं कि 82.201 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस भी रोका जाए। और इसके पहले हम लोगों ने सांसद ज्ञान सिंह से भी निवेदन किया था, उन्होंने वो पत्र लिखा था, मनोज सिन्हा जी ने दिल्ली में आदेश भी किया था कि उक्त दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ 82.205 ही स्टॉपेज हो रही है, 201 नहीं हो रही है। और एक विशेष ट्रेन जबलपुर अंबिकापुर, यहाँ के छात्राओं, व्यापारियों, वकीलों को जबलपुर जाने के लिए नहीं होता, उसके दुर्भाग्य है। इसमें हमें कांग्रेस के अलावा सभी राजनीतिक दलों, श्रमिक यूनियन, पत्रकार, व्यापारियों का भी हमेशा समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी। सानी जी इससे काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही, आपके साथियों से मैंने बात करी है, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी जल्द नहीं हुई तो निश्चित तौर पर हम बृहद आंदोलन करेंगे। देखिए अन्य राजनीतिक दल के मित्र क्या कहते हैं ये हम तो नहीं उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। बतौर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में नगर महामंत्री, 6 वर्ष में रहा हूँ मैं माननीय सांसद जी के संपर्क में हूँ, लगातार उन्होंने आश्वासन दिया और पत्र लिखा भी है और समर्थ अभी वर्षा ऋतु में उन्होंने पुनः पत्र दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले मार्च 2022 तक 82.201 का स्टॉपेज और अंबिकापुर का स्टॉपेज 100% होगा, सभी लोग निश्चिंत रहे इसके लिए, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।